जब भी कुछ फिल्म देखना होता है, मैं रोमकॉम देखने की इच्छा होती है, जितने OTT में जितने रोमकॉम्स हैं सब मैं देख चुकी हूँ, कुछ कुछ तो मतलब 3-4 बार भी देख चुकी हूँ, फिर तो इतना अच्छा लगता है। हम बड़े हुए हैं शाहरुख खान को देख के, और यू नो वो एक जो सिनेमा देखने की उसमें सब जो इमोशंस है वो है, एंड टू बी एबल टू डू अ रोमकॉम एज एन एक्टर, आई लव डूइंग रोमकॉम्स, यू नो रोमांस, एंड जस्ट टू डू कॉमेडी ऑन स्क्रीन इज सच अ जॉय, एंड एवरीथिंग दैट सर हैड रिटन was telling us to do, it was really fun, or to play opposite, you know, वो ऐसे hero heroine वाला, और सारा मुझे आके बोलते हैं आप ना heroine है, हाँ आप ना ऐसे ही करिए, आप जितना करिए, and that for me, because I have also done various kinds of parts, बहुत विभिन्न तरह के किरदार निभाया मैंने, करती है और लोगों को बहुत पसंद आएगी, कुछ ऐसा खास dark नहीं, कुछ नहीं, बहुत light में उस वक्त जब कलकत्ता में शूट चल रहा था, हम सब लोग शूट कर रहे थे, तो एक तरफ कुछ दंगा टाइप का हो रहा था, अभी जो कलकत्ता में कुछ प्रॉब्लम था, तो मतलब समझ लीजिए SB रोड में दंगा हो रहा है और लिंक रोड पे हम लोग शूट किए जा रहे हैं हाईवे पे, तो बड़ा ही और टाइम कम है, तो प्रेशर में आके ह्यूमर करना और अच्छी तरह से अभिनय कर पाना और पूरी टीम के साथ में काम करना, मज़ा आ गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर हम लोग सब लोग ने हिंदी फिल्म मराठी फिल्म में काम किया है, लेकिन पंजाब के इनके साथ काम करके मज़ा ही आ गया, मतलब इन द सेंस हमेशा वहाँ पर कोई भी आएगा प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। और पहली बार पंजाबी फिल्म में एक बंगाली सॉन्ग है, ये एक नई बात है मेरी फिल्म के लिए, अच्छा लगा। और ये अमरिंदर जी के तारीफ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो एज अ पर्सन वो बहुत प्यारे हैं, मतलब मैं यहाँ से गया पहली बार मिले, लेकिन बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा, आई एम श्योर घूमने में आप लोग को भी बड़ा मज़ा आया। एक और चीज़, एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, सॉरी मैं अगर बोलना चाहूँगा, पैर के उनके ऊपर चोट लग गई, वो ऑटो कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा सीक्वेंस, उसके बाद भी मुझे मेरा दूसरे दिन एक शॉट था उसका चलाना था, लेकिन उन्होंने बाकायदा वो करके 2 घंटा सिर्फ डिले करके क्रेप पहन के किसी तरह से पेन में है लेकिन वो खड़े होकर उन्होंने किया, वो शॉट मुझे उन्होंने देखा, बहुत ही अच्छा काम किया, और डेडिकेटेड होता ना कि शो मस्ट गो ऑन वैसे वाला, तो मैं उनके तारीफ में क्लैप करता हूँ। नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू हमारी तरफ से, थैंक यू फॉर कमिंग इन टुडे, एंड दिस इज आवर डायरेक्टर राकेश धवन, बहुत ही उम्दा काम करते हैं ये, मेरे मामा विश्वनाथ चैटर्जी, इनको तो हम बचपन से हम सब इनके फैन हैं, मिस्टर सायजी शिंदे, और मैं हूँ शायोनी, और हमारी फिल्म है ये वैसे तो सारी हम फैमिली फिल्में ही करते हैं, मतलब सामने देखिए बात कर, तो ये फैमिली फिल्म है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि हमने कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और पंजाबी का एक कल्चर मिक्स किया है, तो कंट्रास्ट कल्चर है, एक
फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है, और सबसे यूनिक बात है कि इसमें शायोनी जी हैं, शिंदे सर हैं और विश्वजीत जी हैं। तो ये हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी बात है कि एक नेशनल चीज़ें मतलब हुई हैं। मुझे मैं मैंने कहा था मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बुलवाना आता है, ये सवाल आप इधर उधर से पूछ रही थी। पहली बात तो ये कि पहली बार जब मुझे कॉल आया बात की और मैंने सुना इतने बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो और मैंने कहा कि मुझे तो पंजाबी बोलने नहीं आती, मतलब जिस तरह की टिपिकल ठेठ पंजाबी फिल्म की बात अगर चल रही तो नहीं, आपका किरदार कुछ अलग सा है, बंगाली है और कलकत्ता में शूट करना, तो मुझे इतना मज़ा आया कि बंगाल में बैठ के मैं पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ और जिसमें अमृतपाल जी हैं, सब लोग हैं, और इनके साथ बंगाली एक्सेंट में लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जबकि मैं हिंदी फिल्म में करता हूँ। लेकिन वहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने इनके राइटिंग में, ये कॉमेडी फिल्म है, इनके राइटिंग में मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने ना सारे छोटे छोटे न्यूएंसेस जोड़े कि सुचित्रे माछ भाजा और ये सब जो बंगाल का अपना जो कल्चर है उसको जोड़ा, ऊपर ऊपर सुपर खुशी थी। उसके बाद तो पंजाब में जब शूट करने गए तो वहाँ का कल्चर इतना प्यारा जोड़ा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है कि सरदार आदमी बंगाली बोले या ऐसा, तो फेशियल वाइज वो ऐसा लगता है कि सामने से डबिंग हो रही है, वैसा लगता है। बड़ा मज़ा आया, शायनी और मतलब FBI से हैं, MNSD से हैं, तो एक अलग तरह की दोस्ती होगी। सर से तो सब लोग सीखते ही हैं और बेहतरीन काम है। सर आप अपना बताइए कुछ। पहली बार मैंने पंजाब में फिल्म किया है और बस मज़ा आया है, इन सबको जानता हूँ, अच्छे लोग काम करते हैं और बस एक विद योर कोएक्टर अगर आपको मिलता नहीं है आगे से सामने से आप बना नहीं पाएंगे, तो वो अमरिंदर सर के साथ वो सीन्स क्रिएट करने में इतना मज़ा आया। एंड वॉज ऑनेस्टली मेरा पहला, मैंने पंजाब में पहले शूट किया था, काफ़ी पहली बार मैं पंजाबी फिल्म कर रही थी और आई एम ओनली ग्रेटफुल बिकॉज इतने अच्छे लोग हैं यार, जितने दिलदार लोग हैं, उतना अच्छा खाना है, उतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, बहुत हमें इतने अच्छे से रखा, इतने अच्छा महसूस करवाया, एकदम फैमिली की तरह। एंड देन टू हैव वर्क विद यू नो स्टॉलवर्ट्स लाइक दीज पीपल, शिंदे सर इतने, मतलब एक कुछ कुछ सीक्वेंसेस हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्लाइमैक्स में आई वॉज सो इंस्पायर्ड टू सी दिस मैन हाउ ही वॉज डूइंग इट सीरियसली, यू नो हैट्स ऑफ सर। एंड ये मेरे मामा हैं, मेरे पापा बने हैं, वो जो एक्टर है ना, वो एक्टर के साथ काम कर कितना मज़ा आता है, और ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है ये भी एक्टर है हाँ, तो और ये कमाल के डायलॉग्स लिखते हैं, दो सेकंड में ऐसे कॉमिक डायलॉग्स, इतना ह्यूमर है इसके इनके अंदर भरा हुआ, तो सच में बहुत मज़ा आया। और जब मैंने लाइन अप देखा और डबिंग के जो भी देखा, मुझे लगता है मज़ा आएगा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। तो यार इनके लिए तो मैं एक लाइन में सारा कुछ बोलूं कि जब जब ये स्क्रीन पे आते हैं ना तो मेरी फिल्म यहाँ चली जाती है, ये ट्रू है। क्योंकि अच्छे एक्टर जब सर के पास, शायद एक दिन पहले दो दिन पहले सर को मैंने कॉल किया, शायरी शिंदे जी को, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया हमें कि जो भी बोलना तुरंत पिक करते थे और उनको इतना जेल करते थे कि मुझे अब देख के लग रहा है कि मेरी फिल्म इन तीन महान अदाकारों की वजह से यहाँ पहुँच गई है। इनका थैंक यू, ये अपनी तारीफ में नहीं बोलेंगे, उन्होंने तारीफ लव स्टोरी है, पर इट्स एक्चुअली लव स्टोरी बिटवीन बंगाल एंड पंजाब।
so much in common, culturally. So there is really that, and when he has written it, I think he came from that place of love and reverence from both sides for each other. एक प्लस पॉइंट ये जैसे सर वहाँ लिखते थे ना, लिखते लिखते इनकी ग्रूमिंग वैसी है कि कभी भी अभी लिखा हुआ है ठीक है, सिचुएशन दूसरा है, आज दिन दूसरा है, कुछ ऐसा कुछ है तो इम्प्रोवाइज करके तुरंत लिखते थे। और सर का ये प्लस पॉइंट था कि जैसे हम दोनों बंगाली हैं और वहाँ पर फादर जो थे वो भी थे, तो बंगाल का कुछ रिचुअल, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ क्या होता है, वहाँ पर अगर पराठे और सफ़ेद मक्खन का आया तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या रिचुअल, तो उसको वो तुरंत इनकॉर्पोरेट कर लेते थे अपने स्क्रिप्ट में। इसलिए वो मज़ा आया कि मतलब मराठे यहाँ पर आएगा तो चाय और वो हम उसको जोड़ेंगे वैसे करके। इसलिए हम लोग को करने में भी काफ़ी, अगर कहा जाए उम्र से सब कुछ है लेकिन अंदर तक इंटेंस है। एंड यू नो एज एन एक्टर आई जस्ट वांट टू ऐड क्विकली दैट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर डायरेक्टर्स जो आप स्पेस दे टू क्रिएट समथिंग जो आप ट्रस्ट करें, एंड दैट इज यू डोंट गेट इट एवरी टाइम, यू होप टू गेट इट एवरी टाइम। पांच कह लीजिए और हीरोइंस भी हमारे पास एक दो ही हैं, तो जैसा हमें कैरेक्टर चाहिए था तो वो उनमें दिखा, अभी वो स्टाइल उनकी लुक्स है, वो करते रहते अपने आप पे काम, तो हमें समझ नहीं आता क्या किसको लें किसको लें। तो एक उनका वो जो आप बोले कि वर्स स्टाइल थी जो उनकी लुक्स पे वो काम करते हैं, तो वही एक पॉइंट था जो देख के मुझे लगा कि इनको कास्ट करना चाहिए और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया। मुझे तो पहला दिन हम जब शूट करने गए एंड वी वर आई वाज रियली वेटिंग फॉर ऑल वेटिंग टू सी यू नो हु द अदर गर्ल इज, एंड आई रिमेंबर गोइंग एंड टेलिंग यू आई वाज लाइक बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने, और उनको देख के लगा कि ये है, ये करेक्ट है, यू नो, सो दैट रियली आई थिंक इट्स प्लीज फिल्म देखो, बहुत सुंदर किया है। जैसे वो हैं वैसे ही रोल लिखा गया तो उनको इतना जेल हुआ कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, एफर्ट ही नहीं है, इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए उन्होंने हर सीन में। एंड हम दोनों में एक सीन है जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन द सबका अरे रुको, वेट वेट फ्यूचर को पीछे का चेहरा ना नॉर्थ में कह रहे हैं। देखो सर टोटल 1023 स्क्रीन्स है, 1023 तो 850 तो समझ लीजिए कि आप ये बंगाल का छोड़ के, अच्छा अच्छा ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल ऊपर वाला जी, एंड देन वर्ल्ड वाइड भी है, कनाडा यूएस राइट। पंजाबी फिल्म काफ़ी बढ़िया चल रही है कुछ सालों से, तो मुझे लगता है एक बड़ा मार्केट बड़ा मार्केट
आप लोग बड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे, पंजाबी सिनेमा आगे आ रहा है सर। Lovely, no? Because I mean, it's my birthday day after Durga Puja starts, day after, which is, you know, really auspicious for us. And the film is releasing on the 11th, which is Ashtami, which is, you know, the main day of the Pujo. So it's really auspicious, and I don't think it planned, but aise, I think it's a blessing, and you know, when blessing hai, aur I think we can only be grateful. We are very excited. I am not somebody who gets excited before time. I try to take things in and just feel grateful. I really hope ki log dekhe aur dekh ke bahut hame jitna maza aaya usse kahi zyada aapko maza aaye. And I really think it's a film we will be proud of once we see it. Please tell us aapko kaisa laga tell us how you feel, but please go watch the film. और फिर अच्छा रिजल्ट भी आता है, तो उनके लिए भी थैंक यू, उन्होंने एक मौका दिया। पूरी टीम मतलब डीओपी सब लोग, उनके बारे में बताइए क्या ड्यूटी चलती है। विनीत मल्होत्रा जी ऐसे संत इंसान हैं जिनसे हम सब इंस्पायर्ड हैं, और वो हमेशा हंसते हुए इतना कमाल के काम करते हैं, और या आई थिंक ही रियली सेट द मूड ऑफ द यू नो द शूट, एंड वी रियली नीडेड दैट कामिंग इफेक्ट, एंड ही इज फैंटास्टिक, इज ब्यूटिफुल। एंड इनफैक्ट अमरिंदर जी, यू नो हमारा बहुत बड़ा टीम है, कारज पाजी, अमरिंदर जी, सुनंदा, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे यू नो टेक्नीशियंस हैं, सो आई होप वी ऑल सॉर्ट ऑफ गेट टू मीट एंड सेलिब्रेट द फिल्म। ऑफ स्क्रीन के सारे लोग जितने भी थे मैंने ये देखा, प्रदीप जी जो कि कमाल के एक्टर हैं, प्रदीप जी साउंड और सब लोग, स्ट्रॉन्ग टीम है एकदम वॉइस की, और मैं लकी हूं कि मुझे इस बार विनीत जी मिले हैं पहली बार। एक्चुअली ये देखा जा रहा कोइंसिडेंट है, यही बात कर रहे थे कि अचानक फिल्म शुरू और भूमिति में सारे खांचे में सही बैठते गए, अच्छा डीओपी, अच्छा ये, अच्छा टाइम पे हो जाना, और कहीं प्रॉब्लम चल रही फिर भी उससे इजीली निकल आना, और ये फिल्म इतने जल्दी मतलब 11 तारीख को, तो मेरा भी Where is it? Okay. So I want something.